हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे पटवारी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। जो मॉर्निंग शिफ्ट हुई है 12 दिसंबर की, उसमें जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पूछा गया है, नर्मदापुरम संभाग में कौन सा जिला नहीं आता है। तो नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले आते हैं, एक तो है होशंगाबाद, एक हरदा और एक बैतूल। ये 3 जिले आते हैं, सीहोर नहीं आता, तो सीहोर हमारा राइट आंसर होगा इसका। जबलपुर में कौन सा किला है, तो जबलपुर में मदन महल है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा गया था टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन नेम, तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है .txt। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ है। तो भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और कब शुरू हुआ था, ये 8 अगस्त 1942 को ये शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दुगधधारा जलप्रपात किस नदी पे, तो नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश्वर किस नदी के किनारे है, तो महेश्वर है नर्मदा नदी के किनारे है और महेश्वर खरगोन जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1909 में कौन सा एक्ट बना, तो 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बना था, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। एक ये क्वेश्चन पूछा गया है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, तो ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो नाबार्ड की स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 को, तो इसका आंसर है 12 जुलाई 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कॉपी की शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+C से क्या होता है, कॉपी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य में सबसे ज्यादा राजमार्ग है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 में कौन सा कर सरकार द्वारा लागू किया गया, तो वो है GST। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने 2 विधानसभा से चुनाव जीता है, तो वो है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1 MB किसके बराबर होती है, तो 1 MB 1024 किलोबाइट्स के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडू की शॉर्टकट की क्या है, तो अंडू की शॉर्टकट की है Ctrl+Z। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कीबोर्ड में कितनी कंट्रोल की होती है, कंट्रोल कीज होती हैं, कंट्रोल कीज होगा तो इसमें आती है दो, दो कंट्रोल की होती है कीबोर्ड में। एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है, तो एक्सेल का एक्सटेंशन है .xlsx, ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, Ctrl+S की का प्रयोग, तो उससे क्या होता है, सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मेट्रो ट्रेन की लंबाई कितनी रहेगी, तो मेट्रो ट्रेन की लंबाई रहेगी 508 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द्रुपद समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, तो द्रुपद समारोह आयोजित किया जाता है भोपाल में, तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मनरेगा का इम्प्लीमेंट कब हुआ, तो मनरेगा का इम्प्लीमेंट हुआ है 2 फरवरी 2006 को, तो इसका आंसर है 2 फरवरी 2006। चलिए हम देखते हैं, जो जो हमने क्वेश्चंस देखे उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। नर्मदापुरम संभाग में कौन सा जिला नहीं आता, तो नर्मदापुरम में कौन सा जिला नहीं आता, वो है सीहोर। नेक्स्ट हमने देखा था, जबलपुर में कौन सा किला है, तो जबलपुर में है मदन महल। टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन नेम था .txt। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था मुंबई से 8 अगस्त 1942 को। दुगधधारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो वो नर्मदा नदी पर है। महेश्वर किस नदी के किनारे है, तो महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे है खरगोन जिले में। 1909 में कौन सा एक्ट बना, तो 1909 में बना है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, तो इसका आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, तो ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो इसका आंसर था इलेक्ट्रॉनिक मेल।
नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना हुई है 12th of July 1982 को, तो इसका आंसर हो जाएगा 12th of July 1982। नेक्स्ट था कॉपी की शॉर्टकट की, तो कॉपी की शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में सबसे ज्यादा राजमार्ग है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में कौन सा कर सरकार द्वारा लगाया गया? तो वो है जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस प्रधानमंत्री ने दो विधानसभा से चुनाव जीता है? तो वो है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है इंदौर, इसका आंसर है इंदौर। एक एमबी किसके बराबर होती है? अगर किलोबाइट्स में पूछा गया तो उसका 1000 के बराबर होती है। अगर 1000 ऑप्शन नहीं है तो 1000 के आसपास वाला आंसर था 1024 किलोबाइट्स, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था अंडू की शॉर्टकट की, तो कंट्रोल प्लस जेड होती है, तो इसका आंसर कंट्रोल प्लस जेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कीबोर्ड में कितनी कंट्रोल कीज होती है? तो दो होती है, इसका आंसर हो गया दो। नेक्स्ट पूछा गया था एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है? तो एक्सेल का एक्सटेंशन है .xlsx। और नेक्स्ट पूछा गया था कंट्रोल प्लस एस की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सेव के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेट्रो ट्रेन की लंबाई कितनी रहेगी? तो 508 किलोमीटर रहेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 508 किलोमीटर। नेक्स्ट था यूएन डे कब मनाया जाता है? तो 24th of October को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ध्रुपद समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ध्रुपद समारोह भोपाल में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मनरेगा का इम्प्लीमेंट कब हुआ? तो मनरेगा का इम्प्लीमेंट हुआ 2 फरवरी 2006 को। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप मेरे को उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सही कर दूंगा। थैंक यू।